Good morning, all of you. Myself, Dr. Avinash Singh. A vascular necrosis के cases के बारे में हम discuss करते हैं regular way में या academic way में. हम एक आधे केस आपके सामने रोज लाते हैं कि ये वेस्कुलर नेक्रोसिस जो एक डिजीज है जो बहुत तेजी से यंग जनरेशन में खासकर बहुत तेजी से फैल रही है, तो उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या चेंजेस आ सकते हैं. ऐसे ही एक केस मेरे पास मुरादाबाद यूपी से आए थे. ये दीपक हैं. दीपक की एज 24 ईयर है केवल, और इनकी मैरिड हो गई है, भी मैरिड हैं. वन चाइल्ड है इनका, एक बच्चा है, बेबी गर्ल है वो. 24 ईयर के हैं ये. 2 साल पहले इन्हें मालूम पड़ा कि उन्हें एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बीमारी है. आज से 2 साल पहले. दीपक जी बताइए, कैसे क्या मालूम पड़ा, कैसे यहाँ तक आना हुआ, बताइए. मैंने सर पहले पेन था हल्का फुल्का, फिर मैंने दिखाया डॉक्टर को, तो फिर उन्होंने एक्सरे वगैरह बोला, एक्सरे कराया, एमआरआई कराया, फिर मेरे को पता चला आपको नहीं, तो मतलब कैसे मालूम पड़ा, क्या पेन हुआ था पहले? पेन यहाँ से कूले से यहाँ तक पेन हुआ था हल्का फुल्का, कूले में ही पेन था. हाँ. फिर मैंने एक्सरे कराया, फिर एक्सरे के बाद एमआरआई निकाला, तो उसमें स्टेज 3 आई. स्टेज 3 का एवियन के एमआरआई में शो हुआ था. फिर मैंने मुरादाबाद में सारे हॉस्पिटल दिखाए, विवेकानंद तक भी दिखा लिया, बड़ा हॉस्पिटल है. फिर मैं एम्स भी दिखाया है. एम्स में भी दिखाया? एम्स में क्या बताया उन्होंने? एम्स में भी उन्होंने बोला एमआरआई वगैरह दोबारा कराई थी उन्होंने. फिर उन्होंने बोला आप रिप्लेसमेंट ही होगा, सर्जरी होगी. अच्छा, सर्जरी होगी. तब तक उन 2 सालों के बीच में ये जो चल रहा है अभी तक, क्या क्या मेडिसिन दिया अभी तक? सर मैंने बहुत मेडिसिन खाली, एलोपैथिक में और होम्योपैथिक भी खाई है 6 महीने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे. कोई फर्क नहीं पड़ा. कंडीशन और बिगड़ रही थी. हमने एक इनका एक्सरे करवाया था जब ट्रीटमेंट के लिए जब ये आए थे मेरे पास. तब तो ये एक्सरे इनका है, ये मेरे पास आए थे 20/9/2019 को मेरे पास आए थे. दीपक 24 ईयर एज है इनकी, और ये एक्सरे है इनका. लेफ्ट वाले हिप में देख सकते हैं कि डिजनरेशन काफ़ी ज़्यादा है. ये देख, यहाँ पे डिजनरेशन है. जॉइंट स्पेस भी कम है, काफ़ी इरेगुलर है जॉइंट स्पेस यहाँ पर. ये एक एक्सरे राइट वाला है, यहाँ पर राइट हिप का इधर है. इसमें देख सकते हैं कि स्पेसेस इरेगुलर हैं, बॉल क्लियर है, इसमें बॉल का डिजनरेशन भी है. तो ये हिप का टिल्ट भी, हिप जो था इनका हिप टिल्ट हो गया था, हिप हल्का सा ऊपर भी है. तो ये हम देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं. ये एक एक्सरे हम तक ट्रीटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमने एक एक्सरे और करवाया है इनका, जो आज 28 तारीख है. 28 तारीख को आज इनकी छुट्टी हो रही है. 28 तारीख का ये एक्सरे है दीपक 24 ईयर. और ये एक्सरे में इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं. पहले वाले एक्सरे को आप ध्यान से देखिए, ये ट्रीटमेंट में के पहले का एक्सरे है, आज से 8 से 9 दिन पहले का एक्सरे. इसमें देख सकते हैं इजीली बॉल पूरी डिजनरेट दिखाई पड़ रही है. अभी हमने जो ट्रीटमेंट कराया है वो ये है. उसके बाद आज 28 तारीख है, आज एक्सरे करवाया हमने इनका, बॉल पूरी क्लियर आई है. देखिए पूरा राउंड शेप शो हो रहा है इसमें इजीली. जॉइंट स्पेस भी बराबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनके मूवमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं. राइट वाले में भी काफ़ी अंतर है पहले से अब में. पहले वाले में ये देखिए आप, स्पेस काफ़ी इरेगुलर था, यहाँ पे कंटिन्यू स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारे स्पेस, सारे मूवमेंट्स इनके क्लियर आ रहे हैं. तो दीपक जी बताइए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट, कैसे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ, कितने दिन में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ? सर मैं जब आया था तो मेरे को 3rd-4th दिन से इम्प्रूवमेंट चालू हो गया था, और आज 8 दिन हो गए हैं. आज पूरा इम्प्रूवमेंट है, मेरे को सारी मूवमेंट हो पा रही है. अच्छा, क्या क्या नहीं कर पा रहे थे पहले यहाँ से आने से पहले? यहाँ से आने से पहले तो ना मेरी चौकड़ी लग रही थी, और ना मेरा मतलब पीछे हाथ भी नहीं पहुँच पा रहा था पेड़ तक, ना मोड़ पा रहा था मैं सही से. सीढ़ी चलने में भी दिक्कत थी. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. सब में पेन था? सब में पेन था, यहाँ तक कि मैं अपने जूते के फीते नहीं बांध पा रहा था. अभी बांध के दिखाइए. अब मैं अपने जूते के फीते ही आराम से बांध पा रहा हूँ. इजीली बांध पा रहे हैं जी? पहले मेरे यहाँ तक मुड़ भी नहीं पा रहा था, और किसी से बनवाने पड़ते थे मेरे. अच्छा, अभी फर्स्ट क्लास हो रहा है. कोई मेडिसिन दिया हमने? नहीं, कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट दिया हमने, मतलब एलोपैथी कोई इंजेक्शन? नहीं, कोई इंजेक्शन. ये दीपक है, पहले लेस बांधने में भी इन्हें प्रॉब्लम थी बहुत सारे. इतना बड़ा एक एज के हिसाब से 24 एज है केवल इनकी आज, और 2 साल 22 साल में इनको एवियन हो गया था.
दो साल के बाद इनको मेरे पास यहाँ पे आए ये। तब तक इन्हें सभी लोगों ने रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया था, जो भी इलाज कराया उसके बाद भी कंडीशन ये है इनकी। तो आज काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, एक्सरे में भी चेंजेस हैं, पहले के एक्सरे में और अब के एक्सरे में भी हम देख सकते हैं बहुत सारा इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे चेंज हमें समझ में आ रहे हैं। तो दीपक, जो पेशेंट यहाँ सफ़र कर रहे हैं तुम्हारी एज के हैं 24, 25 से लेकर 30, 35 तक, उन्हें क्या मैसेज देना चाहूँगा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपना टाइम बर्बाद नहीं करें और जल्द से जल्द हो सके तो अविनाश जी के पास आइए और अपना इलाज शुरू कर दीजिए। इम्प्रूवमेंट है 100% इससे आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। सेटिस्फाई हैं आप पूरा? पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो मूवमेंट्स चलने में थे वो करके बताइए जरा, अभी तो हो पा रहा है एकदम इजीली? अब तो बिल्कुल मैं सीधा चल पा रहा हूँ, पहले इधर को पूरा झुक गया था, अभी बिल्कुल सीधा चल पा रहा हूँ, दौड़ भी सकता हूँ अभी तो फिलहाल में। JVN के पेशेंट हैं ये दीपक, और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और जो मूवमेंट दीपक करके बताइए, पढ़ाइए। अभी हम इजीली क्या कर पा रहे हैं बताइए? पहले मेरा पैर भी इतना उठता था, अब पूरा जा रहा है। दूसरा वाला इसमें ज्यादा थी, ये इतना उठता था, ये भी अब पूरा जा रहा है। ये राइट, ये लेफ्ट हिप है जिसमें प्रॉब्लम थी, आपने एक्सरे में देखा जिसमें प्रॉब्लम थी, वो इजीली पूरा मूवमेंट में है। अच्छा, और जो चौकड़ी ये तो पार पैर इधर करने प्रॉब्लम थी, ये वाले यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे मेरे हाथ, यहीं तक पहुँच पाते थे पहले, अब आराम से छू पा रहा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और मूवमेंट करके बताइए। और चौकड़ी तो मेरी इतनी लगती थी पहले इतना ही था, इतना ये भी इतना नहीं घुटता था, इतना लगता था बस। अच्छा अच्छा, अब बिल्कुल आराम से चौकड़ी लगा पा रहा। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। आइए नीचे आइए, इस पे रख, इस पे चढ़ के आइए, फिर चढ़ के जाओ इससे ऊपर, और सीढ़ी भी आराम से चढ़ पाऊंगा, इसका ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जैसे प्रॉब्लम जो फेस करते हैं हम एवियन के पेशेंट के, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम, नीचे बैठने में प्रॉब्लम, नीचे बैठ के बताओ। नीचे भी बैठ पा रहा हूँ। उठ जाओ। बहुत बढ़िया, सीढ़ी चढ़ने में, नीचे बैठने में, लेस बांधने में, इनको सहारा लेना पड़ा था। अभी कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, कोई भी एलोपैथिक ऐसा प्रोसीजर हमने फॉलो नहीं किया, आयुर्वेद से ट्रीटमेंट किया है इनका और काफी इम्प्रूवमेंट है। कोई मेडिसिन हमने दी नहीं, इवन हमने आयुर्वेद की भी मेडिसिन अभी तक इन्हें नहीं दी है एक भी, तो इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा है। दीपक 24 ईयर एज में अगर आपको ऑपरेशन कराने के लिए बोला गया था, इनका फ्यूचर में बहुत कुछ इनकी लाइफ में भी आगे होना होता कि इन्हें ऑपरेशन के बाद उनकी कंडीशन कैसी रहती या कैसे ये इम्प्रूवमेंट या कैसे ग्रो करते, ये इनके साथ बहुत बड़ा एक इशू था, क्योंकि अभी एज केवल 24 ईयर है, एक लड़की है उसके साथ साथ उसका फ्यूचर भी और ये इनका खुद का। तो अभी जो पेशेंट आपने बताया कि आप जल्द से जल्द विजिट करें, आप सेटिस्फाई हैं पूरा कम्प्लीट? पूरा 200% कम्प्लीट है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच दीपक। और जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप जल्द से जल्द विजिट करें, जितनी जल्दी हो सकता है जल्दी विजिट करें, इससे हम इम्प्रूवमेंट और अच्छा दे पाए। ज़्यादा लेट करने में हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हम उतने अच्छे रिजल्ट्स, आपको प्रॉब्लम आती है हमें भी रिजल्ट देने में। थैंक यू सो मच।